गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. बेटा आज हम एक्सरसाइज 7F सोल्व करेंगे. 7E एक्सरसाइज जो थी हमारे पास उसमें एडिशन के क्वेश्चन थे. 7F वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेम उसी तरीके से सोल्व होंगे जैसे हमने एक्सरसाइज ई में सोल्व किए थे. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4/5 -2/5. डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम नहीं लिया जाएगा. डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर लिखे और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दें. 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2/5. ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12 -5/12. 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, 2/12. अब इसमें कॉमन 2 है बेटा, ये दोनों 2 से भी कट जाएगा और 12 है वो भी 2 से कट जाएगा. तो 2 से इन दोनों को डिवाइड किया, 2 1 2, 2 6 12, तो 1/6 आंसर आ गया. नेक्स्ट हमारे पास 69/75 -46/75. इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आप लिख देंगे, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो आप. 69 में से 46 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 23 आया. ठीक है, 23/75 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है क्योंकि 21 प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर किसी नंबर से भी नहीं कटता. ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट है 1/2 -1/4. इसमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. ठीक है, एलसीएम आप रफ में करके देखेंगे क्योंकि बार बार नोटबुक में आप एलसीएम नहीं लिखेंगे क्योंकि एलसीएम निकालना हम पीछे सीख चुके हैं. ठीक है, 4 किया, 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 पे डिवाइड हुआ, 2 1 2 -1 हो जाएगा. 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 पे होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई के 1, 2 -1 1/4 आ गया. कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है 7/24 -3/48. इन दोनों का एलसीएम बेटा 48 आएगा. ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 24 से डिवाइड करो 48 को, 2 पे डिवाइड हुआ तो उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, -3 लिखा, 48 को 48 से डिवाइड किया, 1 पे डिवाइड हुआ तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 7 2 14 -3 1 3, 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 11 बचा, 11/48 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है 6/14 -3/21. इसमें भी बेटा दोनों का हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना है हमारे पास, 42 आया. 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करो. 14 3 जा 42, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 मल्टीप्लाई बाई 21 से 42 को डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड हुआ, 3 2 जा 6 हो गया. 18 में से 6 को डिवाइड किया आपने, कितना आया, 12 आया आपके पास, 12/42. ये दोनों इवन नंबर हैं तो ये नंबर 2 से डिवाइड होंगे तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 6/21. अब ये दोनों नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के ही आंसर को लिखना है. अब डायरेक्ट वहां नहीं छोड़ेंगे, जब तक कॉमन नंबर है आप उसको काट देंगे. अब 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 21 भी आता है, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो 2/7 आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3/1 -6/8. यहाँ 3 दे रखा है बेटा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं दे रखा उसका मतलब है कि उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो. 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा. 3 को मल्टीप्लाई करो किससे, 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो बेटा ये 8 पे डिवाइड होगा. 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, -6 मल्टीप्लाई बाई 8 को 8 से डिवाइड किया, ये 1 पे डिवाइड हुआ, 6 1 6. 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 बचा. सॉरी, 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइडेड बाय 8 लिखो आप. 24 में 6 को सब्ट्रैक्ट किया, 18 बचा. 18 और 8 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा, इसको 9 से कर दिया और इसको 4 से. अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है. इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड में चेंज कर देंगे, डिवाइड करके रफ में देखेंगे और फिर लिख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं तो बार बार उन चीजों को हम फेयर नोटबुक में नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद है 7/-4/6. कुछ भी नहीं दे रखा, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे. ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 6 आया. 7 मल्टीप्लाई बाई 6 -4 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि इससे को 1 से डिवाइड किया 6 को तो 6 आएगा, 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 पे डिवाइड होगा. 7 6 जब 42 -4/6. ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, 38/6. ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 19/3. ठीक है, 19 प्राइम नंबर है, किसी की भी टेबल में नहीं आता, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 10/1 -2/3. सेम उसी तरीके से इसको भी सोल्व करोगे आप. ठीक है, 5/1 -1/5. 5 एलसीएम आया, 5 5 जा 25 -1 24/5 आ गया. ठीक है,
ठीक है। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इसी मेथड से ये क्वेश्चन होंगे बेटा, आप इनको आप अपने आप करेंगे। सिंप्लीफाई है, इसके अंदर बेटा हमें मिक्स्ड में दे रखा है, मिक्स्ड में दे रखा है पहले आप उसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया, फोर थ्री जो 12 में थ्री को ऐड किया, ठीक है, 12 में थ्री को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 15 अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू हो गया आपके पास, ठीक है। अब एलसीएम लिया हमने, कितना आया हमारे पास 4 आया, 15 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 पे डिवाइड हुआ और 2 वन जा 2 आया, 15 में से 4 2 को सब्ट्रैक्ट किया 13 आया, 13 अपॉन 4 ये इम्प्रॉपर है, इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 होल 1 अपॉन 2 माइनस 1 होल 4 अपॉन 5, मिक्स्ड है इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आप एलसीएम लेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड किया तो 5 पे डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हो गया माइनस 9, 5 से डिवाइड किया 10 को तो 2 पे डिवाइड हुआ, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 5 जा 45 माइनस 9 2 जा 18, 45 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 आएगा, 27 अपॉन 10, कॉमन कुछ भी नहीं है इनके अंदर तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 8 5 जा 40 और 4 44 अपॉन 5 माइनस 5 2 जा 10 और 2 12 अपॉन 5, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट हो जाएगा 44 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। 44 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया 32 अपॉन 5, ठीक है, ये भी आपस में नहीं कटेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसमें भी 13 4 जा 52 और 1 कितना हो जाएगा 53 अपॉन 2 आ जाएगा, 53 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम कितना आया इनका 4 आया, ठीक है। 53 में से आपने 2 को सेपरेट किया 51 अपॉन 4, इसको भी आप इम्प्रॉपर है, इसको आप मिक्स्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे वाला है 9 2 जा 18 और 1 कितना हो गया 19 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। दोनों का एलसीएम आया कितना है हमारे पास 6 आया, 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो 3 पे डिवाइड होगा, माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, 3 2 जा 6, 19 3 जा 57 माइनस 2 1 जा 2 तो 57 माइनस 2 कितना हो गया 55 अपॉन 6, इसमें भी कॉमन कुछ भी नहीं है, कट नहीं रहा, इसको भी आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका जो एफ पार्ट है इसको भी आप सोल्व कर लेंगे, मिक्स्ड में दिया हुआ है इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करो, इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद ये कॉमन इसके अंदर क्या है 2 है, 2 से कट रहा है 25 अपॉन 2 आ गया, इसको आप मिक्स्ड में चेंज कर दोगे। आगे वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें ब्लैंक में क्या, 0 को किसी भी नंबर में से माइनस करो वही नंबर आता है आप लिख दोगे, इसमें भी वही लिखना पड़ेगा। यहाँ 0 को किस में से माइनस करो तो 13 अपॉन 5 ही आ जाएगा। अब 6 अपॉन 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 6 अपॉन 8 ही आए, तो आप इसमें से भी 0 को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जब किसी फ्रैक्शन में से उसी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 11 अपॉन 6 में से 11 अपॉन 6 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। इसमें 6 अपॉन 9 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 3 होल सॉरी यहाँ 3 आएगा क्योंकि 0 को जब इसमें किसी भी नंबर में से माइनस करो तो वही नंबर आता है, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको कर लेंगे। थैंक यू।